SBS News, सच का साथी। लखनऊ के इको गार्डन में राष्ट्रीय शिल्पकार महासंघ द्वारा दिया गया धरना। उन्होंने अपने मांग पत्र में दर्शाया कि ओबीसी के लिस्ट से लोहार, कुम्हार, सुनार, बढ़ई आदि जातियों को विलोपित करो। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सीट का दुरुपयोग करने वाले के ऊपर सख्त कार्रवाई हो। शिल्पकार युवा छात्र छात्राओं के रोजगार हेतु सूची जारी करने की मांग की। लखनऊ से रमाकांत की स्पेशल रिपोर्ट। गार्डन में धरने के लिए बैठे हैं। संविधान में मिला हुआ जो अधिकार है उस अधिकार से हम लोग उपेक्षित होने के चलते हम अपने मांग को सरकार के पास पाना चाहते हैं, जो कि मेरा मांग जो संविधानिक है वो हमें मिलना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने दो लिस्ट में डाल देने के चलते हम उपेक्षित हैं। ओबीसी की लिस्ट में भी डाल दिया है और शिल्पकार में भी रखा हुआ है, लेकिन संविधानिक अधिकार हमारा तो शिल्पकार है, ओबीसी में तो मेरा लिस्ट है नहीं। अस्थायी रूप से डाला, फिर अस्थायी रूप कर दिया, इसके लिए हम पीड़ित हुए हैं। यही मांग को लेकर के हम सरकार के पास है। इन मांगों को लेकर आप धरना करने से पहले भी कहीं गए किसी कार्यालय में? लिखित दिए हुए हैं। क्या आश्वासन दिया? प्रधानमंत्री को दिए हुए हैं, मुख्यमंत्री को दिए हुए हैं, राज्यपाल को दिए हुए हैं। अभी पिछला आपका 30 तारीख को विश्वकर्मा सम्मेलन हुआ था, उसमें भी राष्ट्रीय शिल्पकार महासंघ के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिए हैं। आपको क्या आश्वासन मिला? कहे हैं कि कर देंगे, लेकिन अभी तक हमको कोई सकारात्मक नहीं मिल पाया है, उपेक्षित रहे हैं। ये लेकर के हम लोगों ने अपना बैठे हुए हैं। तो आपका ये अनशन कब तक के चलेगा? ये 6 तारीख तक ले चलेगा। इसके बाद में अगर ये नहीं होता है तो फिर हम आगे का रणनीति तैयार करेंगे और सरकार को। जैसा कि आपके संगठन के पदाधिकारी उपस्थित हैं, तो ये पदाधिकारी सभी आपके साथ में हैं? जी जी। आप सभी लोग अपने अध्यक्ष जी के साथ में हैं? साथ में हम लोग।